औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। हम कर रहे हैं एस टी 301 की सीरीज़, जो कि बिल्कुल एंड पे है, अपने अख्ताम को है, और बड़े मज़े के साथ हमने सीरीज़ को कम्प्लीट किया। कोई भी नहीं है जो यूट्यूब पर सीरीज़ को कम्प्लीट करे, क्योंकि जैसे 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 ये अपने अख्ताम को जाती है, वैसे वैसे टेस्टिंग जो है ना वो टफ़ से टफ़ तरीन होती जाती है। लेकिन वाहद हमारा चैनल है, वाहद हमारी टीम है, वाहद अल्लाह ताला ने मुझे ये मतलब कि सिर्फ हासिल करवाया कि मैंने यूट्यूब पे जो है ना इस सीरीज़ को कंप्लीट किया, और टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा टफ़ टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग में, बहुत ज़्यादा इजी मेथड में आपके सामने जो है ना पेश किया, ठीक है ना, आपके लिए जो है ना अवेल करवाया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आपने ध्यान से जो है ना अनोवा की टेस्टिंग आ गई। अब देखें कितनी टेस्टिंग की हमने, जी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट हो गए और एंड हमारा होगा काई डिस्ट्रीब्यूशन पे, जी के बाद टी की, फिर काई, फिर एफ, फिर अनोवा, फिर काई, समझ लगी बात की? तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे चैनल के लिंक को लाजमी लाजमी फेसबुक पर और व्हाट्सअप ग्रुप में, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास, इंस्टा पर, जहाँ पर भी हैं, लाजमी लिंक को शेयर करें लाजमी तौर पर, और अपने कैंपस में बैठ के ग्रुप स्टडी किया करें, और सबको रिकमेंड करें हमारे चैनल के लेक्चर्स को लाजमी तौर पे। आपको एमटीएच के लेक्चर्स भी यहाँ से मिल जाएंगे। ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर एमटीएच के स्टार्ट कर दूंगा मैं, यू अंडरस्टैंड। चलें जाके बढ़ते हैं। अनोवा का क्वेश्चन जब आता है, आपको कैसे पता चलता है कि अनोवा इस्तेमाल करनी है यहाँ पर या अनोवा लगेगी, ठीक है ना, समझ लगी बात की? अनोवा एक मैथड का नाम है, लेकिन यहाँ पर अनोवा टेस्टिंग के अंदर एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। अनोवा के अंदर एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, एक मेथड का नाम अनोवा है, ठीक है ना। वो मेथड कब यूज़ करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आज, यू अंडरस्टैंड ना। चलें, अनोवा, यूज़ ऑफ अनोवा, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस को टेस्ट करना हो। देखो, टू पॉपुलेशन को टेस्ट करने का तरीकाकार है जी डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ लगे बात की? अब दो से ज़्यादा जब आ जाएंगी तो फिर आप करोगे अनोवा इस्तेमाल, क्या करोगे, नोवा यूज़। देखो ना, पहले आपने कुछ इस तरह के भी किया था, नल हाइपोथेसिस कुछ इस तरह के बनाए थे, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, और ना अल्टरनेटिव के लिए आपने नॉट इक्वल कर दिया था, समझ लगी बात की? यहाँ ए किया था या बी, समझ लगी बात की? ए बी, यू अंडरस्टैंड ना। अब दो से ज़्यादा आ गई हैं, वराइटीज़ हैं, पोटैटोस की वराइटीज़ हैं, इसे आपने टेस्ट करना है, समझ लगी बात की? तो इसे हम टेस्ट करेंगे, तो मैं क्या कहता हूँ कि ये आपके पास एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है ना, इसे आपने टेस्ट कर देना है। टेस्ट करने का तरीकाकार मैं आपको बता दूंगा, ये मेथड बहुत लंबा चौड़ा मेथड है, लेकिन ध्यान से अनोवा मेथड करना है, ठीक है ना। स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं, वैराइटीज़ हैं तीन आपके पास, कम्प्लीटली डाटा जो है ना वो रैंडम है आपके पास, ठीक है ना, समझ लगी बात की? आपके पास अलग अलग डाटा दिया गया, वैराइटीज़ हैं लेकिन डाटा अलग अलग है, ए बी सी का अलग अलग है। तो देखें, ये ऑलरेडी जो ना कम्प्लीटली जो डाटा हमारे पास वो क्या है जी, रैंडमाइज्ड है, ठीक है ना, रैंडमाइज्ड सी आर है, डिज़ाइन किया गया है जी। सबसे पहले देखें मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एक दो तीन चार, फोर्थ लाइन से लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या लिखा गया है, देखो सॉल्यूशन लिखा गया है, नाउ इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन यील्ड्स ऑफ थ्री वराइटीज़ ऑफ पोटैटोज़ आर इक्वल, मतलब कि पोटैटोज़ की वराइटीज़ इक्वल्स हैं, लेकिन आपने क्या करना है को इनको मतलब के टेस्ट करके दिखा देना, बस और कुछ नहीं। तो स्टेटमेंट में चलता हूँ दोबारा, फिर मैं टेबल के बाद, ये जो वैरायटी का टेबल है पेज नंबर 1317 से आगे बिल्कुल फ्रंट पे ये लिखा हुआ है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द थ्री वैरायटीज ऑफ पोटैटोज़ आर नॉट डिफरेंट इन, हाँ जी क्या लिखा हुआ है, यील्डिंग कैपेसिटीज़, ठीक है ना, यील्डिंग कैपेसिटीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, मेरा कहने का मतलब ये है, बताने का मतलब है कि मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको एक वर्ड दिखाई दे टेस्टिंग के अंदर, वो क्या नो डिफरेंट, ठीक है ना, इस तरह का, तो या कोई भी ना दिखाई दे तो आपने इक्वल और नॉट इक्वल के लिए टू टेल टेस्ट के लिए चलना है। तो यहाँ पे देखें, वो कह रहा है नो डिफरेंट, ठीक है ना, नॉट डिफरेंट, यू अंडरस्टैंड ना। तो यहाँ पे इक्वल और नॉट इक्वल की वैराइटीज़ को लेके चलेंगे। यहाँ पर देखो एक और बात है, और अनोवा टेस्टिंग में ग्रेटर और एक लेस देन होता ही नहीं है, बात ही खत्म है, इक्वल और नॉट इक्वल लेते हैं, बस बात खत्म है। चलें जी, ये वैराइटीज़ हैं तीन आपके पास। स्टेप वन के में क्या करना है आपने, वही स्टेट नॉल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपने लेने हैं, ठीक है ना, वो म्यू ए
म्यू इसका ए, म्यू बी, म्यू सी, तीनों को इक्वल ले लेना है, ठीक है ना। फिर अल्टरनेट में क्या करना है आपने, नॉट इक्वल ले लेना, उल्टा होता है ना। हाँ जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने खुद दिया 0.05। स्टेप थ्री, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, नोवा के अंदर थोड़ा टफ है, ध्यान से करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले निकालनी है आपने बिटवीन के लिए, वो होगी इज इक्वल टू के माइनस वन। तो वेयर के क्या चीज़ है, वेयर के इज नंबर ऑफ कंडीशंस, सो ए बी एंड सी आर थ्री कंडीशंस, सो के इज इक्वल टू थ्री, के इज इक्वल टू थ्री। देखो ना, ए बी सी आपके पास थ्री कंडीशंस हैं। फिर आपने निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन के लिए वो होगा आपके पास, वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। फिर आपने निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन, वो आएगा एन माइनस के। एन क्या चीज़ है, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन जो है ना कैपिटल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है। तो कैपिटल एन क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकलेगा, विद इन एन माइनस के, 12 माइनस 3 9 आ गया। फिर आपने निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल के लिए, तो दोनों को ऐड कर देना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन के लिए प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन, तो 2 प्लस 9 ये आ गया आपके पास 11। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे जो है ना हम सी आर फाइंड करते हैं कि सी आर कैसे निकालना है, बाद में देखते हैं जी। सी आर होगा हमारा हमेशा ऑलवेज यही रहेगा नोवा के लिए, एफ ग्रेटर दैन एफ अल्फा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन आएगी, बी फॉर बिटवीन, और डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन डब्ल्यू, ठीक है ना। तो देखो, ये आपके पास था 2 और ये था आपके पास 9, तो पेज नंबर 311 पे आपने 311 पे ना आपने ये देख लेना है कि आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 0.05 के लिए आपने V1, ये आपका एक हिसाब से टेबल के हिसाब से V1 है और ये आपका V2 है, ठीक है ना। तो आपने टेबल के हिसाब से देखना 4.626 होगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट द सम ऑफ स्केयर डेविएशंस फ्रॉम द मीन, सम ऑफ स्केयर डेविएशन डबल एस के साथ डिनोट करते हैं, मीन ऑफ ग्रुप ए बी सी, सबके आपने ग्रुप के जितने भी है ना आपके, मतलब के सब के आपने मीन निकालने हैं। ग्रुप ए था आपके पास ऐसे, फिर आपके पास यहाँ पे सी था, यहाँ पे बी था और ये ए था। ये सारे नंबर हैं ना जितने भी हैं, कितने 4 नंबर हैं, सबको आपने जमा कर देना है, प्लस कर देना है। 23 है, 26 है, 20 है और 17 है, इसे आपने ऐड कर देना है। तो ये आपके पास जो है ना, मतलब के मीन ऑफ ग्रुप ए निकलाएगा, वो निकलेगा 21.5। इसी तरह आपने करना है बी के लिए, वो ऐड करके सबको आपने 4 पे डिवाइड कर देना है। फिर आपने सी के लिए सबको ऐड करके क्या करना है, बार एक्स बार सी, वो ना आपने 4 पे डिवाइड करके। फिर एंड ग्रैंड मीन, जितने भी आपके मीन निकले हैं ना, 1, 2, 3 पीछे वाला मीन जो है वो ऊपर, सबको आपने ऐड करके आपने टोटल ऑब्जर्वेशन जो है ना कैपिटल एन पे डिवाइड कर देना है, वो आपका एक्स बार सिंपल निकलेगा, ग्रैंड मीन निकलेगा, यू अंडरस्टैंड ना। उसके बाद है सम ऑफ स्केयर डेविएशन टोटल का फार्मूला क्या होता है आपके पास, सम ऑफ एक्स माइनस बार होल का स्केयर। तो आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपने क्या करना है, मीन को माइनस करते जाना है, 4.89 को हर एक पूरे के पूरे टेबल वैल्यू में से माइनस करते जाना और स्केयर लेते जाना है, ठीक है ना। देखो, 23 पहली वैल्यू, उसमें से माइनस किया स्केयर किया, फिर 26 है माइनस किया स्केयर किया, 17 है, फिर 18 है, फिर आपके पास 28 है, ये सारी आपने माइनस करते जाना है, सबको सोल्व करोगे ना तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। समझने की बात की, ये ध्यान से आपने मेथड को क्लियर करना है। ओके जी, नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ स्केयर डेविएशन विद इन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बार ए होल का स्केयर आ जाएगा ये आपके पास। जी डियर स्टूडेंट्स, फर्दर प्रोसीड चलते हैं हम एग्जाम्पल को लेकर। सबसे पहले ये आपने ये सम ऑफ स्केयर डेविएशन का फॉर्मूला जो है ना वो कंप्लीट लिख लेना है, ठीक है ना। मैंने इतना ही लिखा था, आपने ये भी लिखना है इसके अंदर, सम ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बार ए इसका स्केयर, प्लस सम ऑफ एक्स बी माइनस एक्स बार बी का स्केयर, प्लस सम ऑफ एक्स सी माइनस एक्स बार सी का स्केयर, इसका नाम 1 क्या देना है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। नाउ सम ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बार ए का स्केयर इज इक्वल टू, ये जो है ना गिवन टेबल जो दिया गया है ना वरायटी का, उसका जो पहला कॉलम है ये एक्स ए उसे डिनोट करता है, वो 23 है, 26 है, 20 और 17 है, 4 वैल्यूज हैं। हर एक में से आपने एक्स बार ए को माइनस कर लेना है करके और स्केयर लेते जाना है,
जी पहली वैल्यू में से आपने एक्स बार वैल्यू एक्स बार ए की वैल्यू माइनस करनी है और स्केयर लेना है, दूसरी में से स्केयर माइनस करके स्केयर लेना, तीसरी में से माइनस करके स्केयर लेना, चौथी में से माइनस करके स्केयर लेना, 45 आएगा। इसी तरह ही आपने बी के लिए चले जाना है कॉलम टू में, बी की वैल्यू 18 है और 17 और 21 और 21 समझ लगी बात की, ये 28 है, ये तरतीब है 18, 28, 17 और 21। तो आपने 21 मतलब के एक्स बार बी की वैल्यू 21 आई थी, उसे आपने क्या करना है वैरायटी वाले टेबल दूसरे कॉलम में से हर एक वैल्यू में से माइनस करके स्केल लेते जाना है, ठीक है ना, समझ लगी बात की, ध्यान से करना है ये वाला। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है इसी तरह ही सम ऑफ एक्स सी माइनस एक्स बार सी, तीसरा कॉलम पकड़ लेना है, सब में से माइनस करते जाना, ये इसका आंसर आ जाएगा, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन वन, ठीक है ना, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन वन। तो इसका जो आंसर आएगा ना, इसका इसका आंसर आएगा, ये मैंने लिखा नहीं है, 74 आएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन वन, वन में पुट कर देना, 218 आ जाएगा टोटल। तो आपने क्या करना है, आपने निकालना है सम ऑफ बिटवीन निकालना है, देखो सम ऑफ बिटवीन प्लस सम ऑफ विद इन इज इक्वल टू टोटल, ठीक है ना, इक्वल टोटल, ये इधर आकर माइनस कर दिया मैंने, तो हमें तो ये चाहिए ना, तो टोटल हमने निकाला हुआ पीछे, वो ये आपने लिख देना है माइनस विद इन, ये आ गया 218 निकाला अभी, तो माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगा सम ऑफ स्केयर डेविएशन बिटवीन आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड वेरियंस बिटवीन एंड वेरियंस विद इन, तो वेरियंस बिटवीन कैसे निकालना है, वी बी का मतलब वेरियंस बिटवीन है, स्टैंड जी सम ऑफ स्केयर डेविएशन बिटवीन ऊपर रखना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने नीचे रखना है, दोनों को डिवाइड करोगे ये आंसर आ जाएगा। फिर वेरिएंस विद इन आप कैसे निकालोगे, वी डब्ल्यू का मतलब वेरिएंस बिटवीन है, तो वो आपने सम ऑफ स्केयर डेविएशन विद इन ऊपर रखना है और डिवाइडेड बाय आपने सम डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ऊपर रखना है, दोनों को डिवाइड करोगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर 43 की जान छोड़ दें, थोड़ा सा रह गया बस, ठीक है, एक एग्जांपल है वो लास्ट पे एग्जांपल, वो मतलब लेक्चर नंबर 44 में भी चली जाती है, लेकिन वो आपने करनी है, ठीक है ना, वो आपके लिए मैंने असाइनमेंट छोड़ी है, वो सेल्फ आपने करनी है। 44 के स्टार्ट पे मैंने कह दूंगा कि ये एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर 43 में की हुई है, ये आपने करनी है। ओके नाउ आपने क्या करना है, एफ़ की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेटिव वैल्यू वो कैसे निकलेगी, एफ इज इक्वल टू वेरियंस बिटवीन डिवाइडेड बाई वेरियंस विद इन, दोनों निकाले हमने पीछे, दोनों को आपने डिवाइड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। स्टेप 6 में क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये टेबल वैल्यू है, दोनों का कंपेयर करेंगे तो ये तो ट्रू आ रहा है, सो ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन सी आर, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, अंडरस्टैंड ना, हंसना नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है लेक्चर ख़त्म हो रहे हैं, तो हंसना नहीं है प्लीज़ मेहरबानी, ठीक है ना, लेक्चर ख़त्म होने वाले हैं सारे इंशाल्लाह, 43 है, दो रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। ग्रुप्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, उसके बाद रोटेशंस हैं ए बी सी डी, सारा सेम पीछे वाला प्रोसीजर है, सिर्फ यहाँ पर क्या चीज़ बढ़ गई है, केस एक बढ़ गया है, तो ये केस जो आप लिखोगे ना, जब आप ऐसे नल बनाओगे इसका, म्यू ए इक्वल टू म्यू बी इक्वल टू म्यू सी इक्वल टू म्यू डी, और अल्टरनेटिव में आप क्या करोगे, वही काम, म्यू ए नॉट इक्वल टू म्यू बी नॉट इक्वल टू म्यू सी एंड नॉट इक्वल टू म्यू डी, ठीक है, उसके बाद आप वही, ये स्टेप वन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये स्टेप वन, फिर आप स्टेप टू करोगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो आपका अल्फा दिया गया उसने, जो भी दिया वो आपने यूज़ करना है, ठीक है ना, फिर आपने सेम इसी प्रोसीजर के तहत ही करना है सारा। आई होप आपको लेक्चर का मज़ा भी आया होगा, क्योंकि लेक्चर बड़ा टेक्निकल सा था और समझ भी लगी होगी, तो लाजमी जो है ना हमें सपोर्ट करें और लाजमी जो है ना प्योरिटी दें हमारे लेक्चर्स के ऊपर, रिकमेंड करें सबको, बहन भाइयों को, सबको अपने कैंपस में, अपनी सिटी में, और कमेंट सेशन में लाजमी जाकर मुझे बताया करें कि सर हमें किस चीज़ की समझ नहीं लग रही, वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना, तो मैं आपको लाजमी गाइडलाइन दूँगा, बताऊँगा, तो कमेंट सेशन में जाकर लाजमी कमेंट किया करें, और दुआओं में स्पेशल याद रखें, क्योंकि हालात जो है ना इंसान के जो मतलब के सदा जो है ना एक जैसे नहीं रहते, इस वक्त मुश्किल वक्त चल रहा है मेरे पे, मेरी टीम पे,
मेरी फैमिली पे, तो उसके लिए आप लाजमी दुआ कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।